बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दरबार इब्ने ज़ियाद में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इब्ने मरजाना को मुंह तोड़ जवाब दिए तो उसने हुक्म दिया कि असीरान अहले बैत को जिंदाने कूफा में कैद कर दिया जाए। इसके साथ ही इसने अपने कासिद को मुख्तलिफ शहरों में भेजा ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का हर तरफ ऐलान किया जा सके। चनाचे जब मसायब व आलाम को झेलते हुए असीरान अहले बैत दाखिल जिंदान हुए तो एक दिन एक पत्थर जिंदान में आकर गिरा कि जिसके साथ एक खत भी बंधा हुआ था। उस खत में यह लिखा हुआ था कि इब्ने ज़ियाद ने एक तेज रफ्तार कासिद को यजीद के पास रवाना किया है ताकि उसे तुम्हारे हालात से मुत्तले करे। चनाचे जब यह कासिद शाम से वापस आएगा, अगर तो तुम लोगों ने तकबीर की सदा को सुना तो समझ लेना कि तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर हो चुका है, लेकिन अगर तकबीर की सदा बुलंद ना हो तो फिर यह जान लेना कि सब मामला ठीक है और कुछ भी वाकई नहीं हुआ। चनाचे जब शाम से कासिद वापस आया तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद को लिखा कि तमाम असीरान अहले बैत को शहदा के सरों के साथ दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया जाए। मुस्तनद तारीख के मुताबिक कारवान इश्क 12 मुहर्रम को कूफा पहुंचा था और 3 दिन इब्ने ज़ियाद की कैद में रहा, और 15 मुहर्रम को जब यजीद का खत मिला तो इब्ने ज़ियाद ने ज़हर इब्ने कैस या मजफर इब्ने सालबा को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि तमाम शहदा के सरों को अपने साथ लेकर शाम की तरफ रवाना हो जाए। चनाचे ये अफराद सरहाए मुकदस को कूफा से लेकर शाम की जानिब रवाना हुए। इसके बाद इसने शिमर इब्ने ज़िलजोशन, खुली इब्ने यजीद इस्बही, शबत इब्ने रबई और अमर इब्ने हज्जाज को अपने पास बुलाया और इन्हें हुक्म दिया कि 1000 लश्कर को अपने हमरा लो और साथ ही मेज़ादेरा और अखराजात सफर दिए और इनको हुक्म दिया कि असीरान अहले बैत को अपनी निगरानी में शाम की जानिब लेकर रवाना हो जाओ। इसके साथ उसने इन्हें यह भी ताकीद की कि जिस शहर और जिस करिया में पहुंचे तो इसमें कैदियों को फिराया जाए और इनकी खूब तशहीर की जाए। चनाचे ये अफराद असीरान अहले बैत को अपने साथ लेकर उन अफराद के साथ जाकर मुलहक हुए जो सरहाए मुबारक को लेकर उनसे पहले कूफा से रवाना हो चुके थे। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने अपने बाबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा कि बाबा आपको कूफा से शाम किस तरह ले जाया गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक ऐसे नाका पर सवार किया गया कि जिसके ऊपर पालान नहीं था, और मेरे वालिद बुजुर्गवार के सर को एक नेजे पर बुलंद किया गया, और हमारी खवातीन को ऐसी सवारियों पर बिठाया गया कि जिनके ऊपर एक चादर तक भी मौजूद न थी। हमारे आगे और पीछे हर तरफ नेजा बरदारों का पहरा था, और जब भी हम में से कोई गिरिया करता था तो उसे नेजों की अनियों से खामोश करवा दिया जाता था, और इसी आलम के साथ हमने सारा सफर तय किया और कूफा से दमिश्क पहुंचे। ये कारवाने इश्क जो अपनी पहली मंजिल से गुजरकर दूसरी मंजिल में दाखिल हो चुका और कूफा से शाम तक के सफर का आगाज हो गया, इस सफर इश्क में असीरान अहले बैत ने कौन कौन सी सऊबतें उठाई, किस किस मंजिल पर तवक्कुफ किया और वहाँ पे कौन कौन से वाकयात पेश आए, इंशाल्लाह तमाम वाकयात को हर एक मंजिल के साथ मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन।